नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी जी? स्वागत करते हैं आपका हम अपने चौथे ब्लॉग में। और जी, यह तो चौथा ब्लॉग होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसमें हम आप सभी को शिमला ट्रिप के बारे में बताएंगे, और शिमला ट्रिप में जो भी हम लोगों ने मस्ती किया, जो भी हमारा एक मोमेंट था, और पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे कि वहाँ पर क्या कॉस्ट है जाने का, और शिमला में जब घूमोगे तब आपको क्या कॉस्ट मिलेगा, और क्या क्या घूमने लायक है, तो आपको मजा आएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं जी इस ब्लॉग को। जी, शिमला ब्लॉग के लिए हम लोग कब से प्लानिंग कर रहे थे कि जाएंगे। जब हम चंडीगढ़ चले गए थे जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर छुट्टी नहीं मिलता था, हफ्ते में सिर्फ एक दिन का छुट्टी मिलता था, और इतना तमाशा करते थे, पूछिए मत छुट्टी देने के लिए। और जिया इधर से पीछे पड़ी हुई है, काश एक बार शिमला चले गए होते, काश एक बार शिमला चले गए होते। जब देखो ऑफिस से आए, काश शिमला चले गए होते। लंच आवर में आते थे, काश एक बार शिमला चले गए होते। फिर उसके बाद कभी कभी हम गुस्सा भी जाते थे, हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है, तुम यहाँ परेशान कर रही है। सच में हम ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे थे, और छुट्टी ही नहीं मिलता था वहाँ पर। वो उनको इतना तक बोला कि सैटरडे और संडे में से कोई एक वीकेंड ले सकते थे हम। तो हम बोले कि ऐसा करिए, दूसरा हफ्ता हम पूरा कर लेंगे जॉब, कोई भी हम वीकेंड नहीं लेंगे, मेरा सैटरडे और संडे एक साथ कर दीजिए। वो भी नहीं करना चाह रहे थे। फिर एक बार कितना नहीं कहते गुहार लगाकर, गुजारिश करके, थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाकर वो अपना तैयार किए उनको कि हाँ अब हमें शिमला जाना है, अब प्लीज आप दे दो। तो वो भी तैयार हो गए। जब तैयार हो गए, जब वहाँ से भी छुट्टी मिल गया, फिर बारी आई होटल बुक करने की, और मिली नहीं। जी, होटल मिली नहीं रहा था वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम न्यू ईयर आने वाला था ना, पीक सीजन था। ये था शायद 30 दिसंबर को हम लोग वहाँ से निकले थे, होटल ही नहीं मिल रहा था। जहाँ सर्च करो और जो भी मिल रहा था, इतना ज्यादा प्राइस ले रहे थे वो, उसमें भी नहीं मिल रहा था, उसमें भी नहीं मिल रहा था। जी, आप लोग को एक टिप देना चाहूंगा, जब भी आप होटल की प्राइस चेक करिए, तो हमेशा ब्राउजर खोल के, जैसे आप क्रोम ब्राउजर ही खोल रहे हैं, तो इनकॉग्निटो मोड खोल करके कर लीजिए। चाहे मेक माई ट्रिप से ढूंढ रहे हो, चाहे ओयो से ढूंढ रहे हो, चाहे गो एवीबो से ढूंढ रहे हैं, अगर आप ऐप से ढूंढेंगे, उनमें कुकी होता है वो, तो एक बार जैसे आप होटल का दाम देख लेंगे और फिर से उसको सर्च करेंगे, तो आपको जो पिछले प्राइस मान लीजिए 2000 दिखा रहा है, तो अगली बार आपको ज़्यादा प्राइस दिखा सकता है। हो सकता है 2500 दिखाए, 3000 दिखाए, 3500 दिखाए, उनकी ऊपर है कि वो कितना लूटेंगे आपको। हाँ जी, तो बात करते हैं उस पर, होटल बुकिंग पर। तो अंत में एक होटल मिल गया, वो भी उतना था नहीं ज़्यादा अच्छा होटल, लेकिन फिर भी हम सबको मिल गया, लगभग 5000 में 2 दिन का मिल गया। और सभी से पूछे तो कहा कि जी आपको शिमला के लिए इस टाइम में इस प्राइस में सबसे बेस्ट होटल मिला है, तो आप चले जाओ। तो हम कहे कि चलो भाई ठीक है। फिर बारी आई हम लोगों की शिमला जाने की। तो जब शिमला जाने की बारी आई, उससे एक दिन पहले क्या क्या तमाशा हो रहा था, तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं हम। अभी 8:30 है और मैडम अभी भी सो रही है, और कल 4 बजे कैसे उठेगी भगवान जाने। और चंडीगढ़ का ठंड झेला नहीं जा रहा है, शिमला का कैसे झेलेगी? कैंसिल करें? नहीं, जाना है। हाँ जाना। हाँ बिल्कुल, उसके लिए कितने तैयार है ये नहीं देखना है। तो आपने देखा मैडम जो है सुबह उठती थी 8:30 बजे, उस समय सुबह मेरा था टाइम, साइड ड्यूटी जाने का था, 10 बजे के करीब जाते थे, तो 8:30 बजे हम लोग उठते थे। और शिमला जाने के लिए तैयार थी कि नहीं सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, वो भी एकदम कड़ाके की ठंड, एकदम भरी ठंड में हम उठ जाएंगे। तो देखे ही थे शिमला जाने, मजे ले रहे हो अभी, शिमला जाने का कितना जुनून था इनको, देखे ही। शाम में हम लोग चले गए अपना कुछ स्नैक्स सब लेने के लिए, क्योंकि सुने थे कि शिमला में सब कुछ महंगा मिलता है, और मिलता भी है, और बाद में सच में देखा भी बहुत ज्यादा मिलता है महंगा वहाँ पर। तो जितना स्नैक्स हम लोग इकट्ठा कर सकते थे, खूब स्नैक इकट्ठा किए, और ये जो है अपना जितना चॉकलेट भर सकती थी सारा चॉकलेट भरी, आपको दिखाते हैं, देखिए ना वीडियो में आप ये। जी, तब बारी आई जिस दिन हम लोग को निकलना था, और निकलने से एक दिन पहले इसको सो जाना था, पहले सो ही नहीं रही है। रात के 12 बजे पैकिंग की, हम लोग सोचे थे पैक वैक करके सब कुछ 10 बजे सो जाएंगे, सुबह के 4 बजे उठना था, तो थोड़ा नींद। मौसम में कितना पैकिंग करना, तो आपको क्या पता, बस इनको तो चले जाना था। बहुत बढ़िया, कितना वहाँ के बोलते ये नहीं ले आई, वो नहीं ले आई, तमाशा कर देंगे। हाँ जी, और मेरे साथ क्या होता है, जिस दिन भी कोई टूर होता है ना, मुझको नींद ही नहीं आती है, एक्साइटमेंट का लेवल ये रहता है। और ये तो एनी टाइम सो जाएगी, इसको आधा घंटा के लिए भी समय मिले एकदम सो जाएगी, सोने में भीड़ है एकदम, ऐसी की उम्मीद थी। हम लोग लेट ही उठे, लेट हो चुके हैं, और क्या तैयारी है, तो जल्दी निकले। हो गया है। फिर हम लोग जो है सुबह 6 बजे चंडीगढ़ से निकल गए थे, सुबह 6 में निकले थे हम चंडीगढ़ से, और यहाँ बीच स्टॉपेज में रुकी हुई है, और मैं यहाँ से आपको नजारा दिखाता हूँ आसपास का। तो ये है नजारा है यहाँ से, यहाँ पर धूप भी है, तो इस पॉइंट पर हम लोग आ गए धूप सेकने। यहाँ कम से कम धूप देखने को मिल रहा है, पिछले 5-6 दिनों से धूप नहीं दिख रही चंडीगढ़ में, तो मुझे तो यहाँ का मौसम ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
चंडीगढ़ से जब चले थे तो अभी न्यू बस स्टैंड पहुँचाइए थे और न्यू बस स्टैंड से हम निकल रहे हैं ओल्ड बस स्टैंड के लिए। बस चेंज करना पड़ रहा है यहाँ से। स्टैंड से हम लोग का होटल का जो रास्ता था मुश्किल से था वहाँ से 10 मिनट का। अभी हम ओल्ड बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। 9 मिनट का पैदल रास्ता है। यहाँ पर खूब टैक्सी वाले मिलेंगे, खूब होटल वाले परेशान करते हुए कि आप हमारा होटल ले लो, कमरा ले लो। उन सब से थोड़ा बचकर खूब लूट, अभी खास करके ये सीजन का समय है तो इस समय खूब लूटते हैं वो लोग। चलिए, उनका काम है, वो बिजनेस है, लेकिन हमें भी एक कस्टमर के तौर पर समझदार रहना है। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। बाकी आगे क्या होता है अपडेट देता हूँ आपको। और मेरी मैम आगे आगे चल रही GPS लगाकर, और जो GPS से देख रहे थे वो अलग रास्ता दिखा रहा था। और वहाँ के लोगों से पूछो तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहे। और कुछ कुछ होटल वाला था वो कह रहा था अरे वो तो बहुत दूर है। अभी होटल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हम बहुत चढ़ाई है, मेरा हालत खराब हो गया, इतनी परेशान करते हैं, माथा खराब हो गया मेरा। बोलेंगे होटल ले लो, होटल ले लो यार। और हमें भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से बोलने में, लेकिन जब तक उन्हें बोलू नहीं तो परेशान करना छोड़ेंगे नहीं आपको। सामान ढो रहा हूँ मैं और हालत खराब है तुम्हारी। अरे मेरी हालत नहीं खराब है, घीच घीच के सामान ले जा रहा हूँ। मेरी हालत नहीं खराब है। ओके, तुम्हारे कुली के 100 रुपये बता दिए मैंने, 100 रुपये मांग रहा था। फिर उसके बाद जो है हम लोग पहुंच गए अपने होटल। ये देखो यहाँ का नजारा, और मेरे हसबैंड का थोड़ा सा दिमाग वो हो गया है उल्टा। तुम्हारा किसका दिमाग किसे किया है? दिखाना कुछ है, मैं कह रहा हूँ नजारे दिखाओ तो दिखा रही है पूरा कचरा। ये देखो आ गया हमारा होटल हिल टॉप। नाम है हिल टॉप लेकिन बॉटम में। हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में और यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप इतना घूम कर क्यों आ गए, नज़दीक में तो था। उन्हें क्या पता कितनी होटल वालों से बच के आए, इतने परेशान कर रहे थे। तो हम लोग निकल गए लोकल टूर के लिए। तो लोकल टूर में सबसे पहले हम लोग गए थे मॉल रोड के पास। अभी हम मॉल रोड में है और काफ़ी क्राउडेड इलाका है यहाँ पर। इतनी भी भीड़ होगी, इतनी भीड़ आती है। और आज संडे है ना? अच्छा, और ये संडे भी है, ये भी बात है। उधर पीछे हनुमान जी की अगर मूर्ति दिख रही होगी, नहीं दिख रही है शायद इसमें। उधर जाखू टेम्पल है, वहाँ भी हम जाने वाले हैं, वहाँ जाकर दिखाएंगे। ये है द रिज, इंटरनेट पर फोटो सर्च करोगे तो दिखेगा यहाँ पूरा बर्फ से भरा हुआ प्लेस, लेकिन असल में ऐसा नहीं है कुछ। यहाँ पर बर्फ़ हो सकता है कभी पड़ती हो, लेकिन अभी तो कोई बर्फ है नहीं यहाँ पर। और उधर है क्राइस्ट चर्च, इधर से दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। अभी तो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, यहाँ काफी महंगा महंगा है खाना, तो हम लक्कर बाजार जा रहे हैं। तो मॉल रोड में गए कि पहले सोचे कि पहले कुछ खाना खा लेते हैं, लेकिन लेकिन खाना इतना महंगा था वहाँ पर, पूछिए मत। अच्छा भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए। तो मेरा एक दोस्त था जो जिस कंपनी में काम करते थे, वो शिमला में पढ़ा है 4 साल, फाइन आर्ट का क्लास किया था। तो वो बताया था कि वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के सामने में जाओगे वहाँ पर एकदम 50 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगा। हम लोग गए वहाँ पर, लेकिन संडे था तो वो भी बंद था। और लक्कर बाग में जब गए खाना खाने के लिए, भाई साहब वहाँ भी लूट मची थी। ये देखिए जी शिमला में किस तरह से लूट मची पड़ी है। ये इतना सब खाया है मैडम जी ने, और ये है 70 रुपये की। और बाकी मेन्यू देखो यहाँ के, दाल फ्राई 70, दाल मखनी 90, राइस प्लेन 40। हमने ये मंगाया था करी चावल, सोचा चलो ठीक है खा लेते हैं, ये ठीक ठाक होगा, पेट भर जाएगा। और राजमा चावल बिल्कुल, क्या खाएगा इसमें लोग, लूट है यहाँ पर। ये देखो खाली मैम,
क्योंकि कम खाती है, इन्हें भी भूख लगी हुई है और खाना है। एक थाली और मंगाई, ये है 100 रुपये की थाली जो चंडीगढ़ में 40 रुपये में खाते हैं। ये देखो ना, ऊपर से 2 रोटी, इतनी सी चावल हो गई, सब्जी ये हो गई 100 रुपये। लूट मची है भाई यहाँ पर, टूरिस्ट जगह है, हो सकता है ऐसे ही रेट रहता हो, वैसे रहता ही है, लेकिन यहाँ लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ज्यादा रेट है बाकी टूरिस्ट जगहों के मुकाबले। तो हम लोग वहाँ पर अपना खाना खा लिए और खाना खाने के बाद हम लोग निकल लिए जाखू मंदिर की तरफ, और हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल के पास। इधर से ही रास्ता है, पता करना। और गोदी माना है वाइफ को, गोदी माना है जीत कर रहे थे। सोना शिमला जाना है, सोना शिमला जाना है। अरे बजा शिमला में मेरी इतनी बात मानते तो मुझे गोदी में उठा के लेके जाओ। अभी तो हम सोच रहे हैं मुझे कोई उठा ले मैं तो उठा नहीं सकती तुम्हें। यहाँ से आधे घंटे की चढ़ाई है जाखू टेंपल के लिए, और रोप वे भी है ऑप्शन, लेकिन हमने लिया नहीं। मंदिर सोचा पैदल ही चलते हैं, तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। आगे आ जाओ, दर्शकों को अब तुम भी दिखाओ चल रही हो। अरे यार और बंदरों से सावधान पिछली बार याद है कसौली में बहुत प्यार दिखा रही थी बंदर को। A few moments later. तो सुना क्या हाल है? बस थके हुए हैं बहुत ज्यादा। कितना शायद 15 मिनट की चढ़ाई हुई है और यहाँ से बचा हुआ है 15 मिनट और बचा हुआ है यहाँ से चढ़ाई। सब रो रही जो पैदल आए, सबका हालत खराब है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं मैं वापस जा रहा हूँ। टैक्सी मिलती है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन हमने वो नहीं किया। अच्छा मंदिर जा रहे हैं, जाते हैं पैदल ही। बहुत लोग आ रहे हैं भाई है। बहुत स्ट्रगल है। ये दिखा दो हम लोगों के साथ जो जा रही थी। ये देखो इन लोगों की हालत खराब है सबकी। उधर से जो आ रहे हैं वो खुश होके आ रहे हैं, इधर से सबको हालत खराब है। बस इस उम्मीद में हम भी चल रहे हैं, जब हम भी लौटेंगे अपना भी टाइम आएगा, ऐसे ही खुश होकर लौटेंगे। बोला जाता है ना, कष्ट के बिना सुख नहीं। ये है रोप वे, एक ऑप्शन ये भी है ऊपर जाने का लेकिन हमने नहीं लिया ये। ने सच में पर्सनली जब पहाड़ पर जाते हैं तो पैदल चल के चलने में ज्यादा मजा आता है। ये कह रही है जब ये दोबारा पहाड़ी क्षेत्र पर नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि वहाँ भी गए थे ना कसौली, तो यही हाल हुआ था मंकी पॉइंट पे चढ़ने में, उससे तो कहीं ज्यादा ही बड़ा है। नहीं आ रही यार। हम और आप सभी इतिहास रहेंगे, ये फिर बोलेगी जाने। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं, यहाँ से मंदिर दिख रही है, हनुमान जी की मूर्ति जो मॉल रोड से नजर आ रही थी, और थोड़ा आराम कर रहे हैं यहाँ पर। फाइनली हम पहुँच गए, और ये थी हमारी सीढ़ी जहाँ से चल के आए हैं। ये है मंदिर के पास है, अब जा रहे हैं दर्शन करने। फिर हम लोग जाखू मंदिर गए, वहाँ पर अपना भगवान का दर्शन किए, और जितना भी फोटोशूट सब करवाना होता है वो सब किए। और वहाँ पर फोटोशूट जब करवा रहे थे तो कुत्ते सब भी खूब घूम रहे थे, और सच में पहाड़ पर जितने भी कुत्ते होते हैं ना, हम लोग की इधर तो लावारिस कुत्ते थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, लेकिन पहाड़ों पर जो कुत्ते सब होते हैं भाई साहब, लगते हैं देखने में बड़े अच्छे लगते हैं वो। और जाखू मंदिर में जी हम लोग झूला भी झूले थे, एकदम बचपन की यादें ताजा हो गई। बिल्कुल एकदम लग रहा था हम लोग का बचपन वापस आ गया। और ये जो है तो बहुत मजा है। और ये तो अपना चुपचाप झूला पर झूलने चली गई, और मतलब हमको कह रही है तुम झूलाओ हमको। अरे भाई साहब हमको भी तो झुलाई कोई तो ये तो अपना बैठ गई तो झूला दी इसको कुछ देर। फिर एक बच्चा था तो वो गुजर रहा था, हमके भाई तुम हमको पीछे से धक्का दो, तो वो हमको धक्का दिया, एक के हाथ में हम कैमरा दे दिए, कहे कि भाई थोड़ा सा वीडियो भी ले लो हम सबका, तो वीडियो भी ले लिया। फिर जी
उसके बाद हम लोग ये सब करने के बाद हम लोग लौटने लगे जाखू मंदिर से। और जब हम लोग लौट रहे थे तो सनसेट हो रहा था, और सनसेट के टाइम जो पहाड़ों पर नजारा होता है जी, ओहो पूछिए मत। हम लोग जगह जगह रुक के जितना हम लोग सीन कैप्चर कर सकते थे खूब सीन कैप्चर किए, रुक जाते थे हम लोग और रुक के सीन का वहां नजारा लेते थे। तब हम लोग जो है वहां से उतरे जाखू मंदिर से नीचे, और जाखू मंदिर से नीचे उतर कर हम लोग पहुंच गए द रिज पर पहुंच गए थे हम लोग, और चर्च क्राइस्ट चर्च वहां भी हम लोग घूमे थे। तो वहां पर थोड़ा क्राइस्ट चर्च द रिज वो सब घूम लिए, मॉल रोड भी शाम में घूम लिए, शाम में बड़ा अच्छा नजारा था वहां का। लेकिन फिर हम लोग वहां पर घूमे थोड़ा सा मॉल रोड पर, और मॉल रोड पर भी मॉल रोड पर भी फोटो खिंचवाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया, बगल में गड्ढा था गड्ढा में कूद गए ताकि तो मेरा फोटो खिंचवा, गड्ढे में घुस के एकदम विलेन जैसा पोज दे रहे हैं। हाँ जी, फिर सब वहां पर घूमने के बाद मॉल रोड पर हम लोग पहुंच गए अपने होटल पर, और होटल पर पहुंच कर हम लोग थोड़ा खाना सब खा लिए और उसके बाद सो गए। और बिल्कुल सेकंड दिन हम लोग को निकलना था कुफरी के लिए, कुफरी के लिए निकलना था तो सुबह सुबह ही निकलना था, तो हम लोग सो गए। और जी अगला जो पार्ट है, अगले पार्ट में हम दिखाएंगे हम लोग कुफरी भी निकले थे और नारकंडा के लिए भी निकले थे, तो वहां का जो सीन दिखाएंगे आपको, वहां जो मस्ती की है बहुत मजा आएगा। तो आप लोग इंतजार करिए नेक्स्ट पार्ट का। और जी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और जी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भी शिमला गए हैं, और अगर शिमला गए हैं तो वहाँ सबसे अच्छा आपको क्या लगता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाना नहीं भूले ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तब सबसे पहले आपको मिले।